नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर के प्रायोजक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को सभी राजनीतिक दलों ने दी सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि। कवि, पत्रकार, विशाल दूरदृष्टि, देश प्रेमी, कुशल राजनेता तथा अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को यवतमाल जिले के पुसद शहर स्थित अग्रवाल मंगल कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं नागरिकों ने सामूहिक रूप से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वक्त पूर्व मंत्री डॉक्टर एनपी हिरानी, भाजपा के विधायक निलय नाइक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक मनोहर राव नाइक और पूर्व विधायक विजय राव पाटिल चौंडीकर ने अटल जी की प्रतिमा को फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। खरच काही बोलणं झालेलं आहे, काही मुद्दे सांगतो। मुख्य मुद्दे सांगून माझं श्रद्धांजली वाटतात। कमी मनाचा नेता आणि या देशाचा 3 वेळा पंतप्रधान राहिलेला अटलजी सारखा आमचा कर्तृत्ववान नेता एक महामानव ज्यांनी दोन गोष्टींची देणगी भारताला दिली आणि कमी मनाचा माणूस कठोर देखील असू शकतो हे सिद्ध केलं। इस श्रद्धांजली सभा में विनोद जिलेवार, शरद मैंत, एडवोकेट आशीष देशमुख, राजन मुखरे, भारत जायसवाल, डॉक्टर रुद्रावार, डॉक्टर मोहम्मद नदीम, दीपक असेगांवकर, विकास जमकर, निखिल चिदरवार, नीरज पवार, धनंजय आत्रे, मिलिंद उपदेकर, अमय नाइक, विश्वास भावरे, भारत पाटिल, आरती फुफाटे व अन्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। यवतमाल से सैयद मुजीबुद्दीन, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।